सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में अपन चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की। इसमें अपन ने पहला लेसन प्रारंभ कर दिया था। पहले लेसन जिसका नाम था न्याय, इसका एक वीडियो बन चुका है जिसमें अपन ने चर्चा की थी प्लेटो का न्याय सिद्धांत और अरस्तु का न्याय सिद्धांत। आज के वीडियो में सबसे पहले अपन देखेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये प्रारंभ करने से पहले फिर मैं आपको बता दूं, अगर इस लेसन से बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न आएगा, या तो आएगा 4 नंबर का प्रश्न या आएगा 6 नंबर का प्रश्न, तो अपने को क्वेश्चन अधिकांशतः उसी प्रारूप में करने हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में अपना 4 नंबर का या 6 नंबर का कोई प्रश्न गलत ना होए। तो देखो, जॉन रॉल्स जो थे अमेरिका के विचारक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जॉन रॉल्स अमेरिका के विचारक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, देखो इनकी किताब का नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक में इन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, चाहे आप रोमन भाषा मतलब हिंदी वाली भाषा में भी लिख सकते हो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, चाहे आप इंग्लिश में लिख देना इसको, जस्टिस में न्याय सिद्धांत दिया। फिर अपन बता देंगे कि जॉन रॉल्स ने न्याय के 2 सिद्धांत बताए। देखो, लिखना आपको कोशिश करना उसी प्रारूप में लिखना जिस प्रारूप में मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। जॉन रॉल्स ने न्याय के 2 सिद्धांत बताए। अब एक एक का वर्णन करेंगे, पर पहला जो इनका सिद्धांत था वो तो था क्या, अधिकतम स्वतंत्रता। अब देखो इसमें क्या बताया, इस सिद्धांत के तहत जॉन रॉल्स ने बताया कि एक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है। शायद बोलने में आपको मतलब समझ में भी नहीं आया होगा, समझाऊंगा इसका मतलब, पहले लिख देते हैं बोर्ड पे। एक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे अपन मान लेते हैं कि अपना कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं। अब मैं ये कह दूं कि भाई इस एक बच्चे को उतने अधिकतम पेट भर के लड्डू मिलने चाहिए जितने अन्य स्टूडेंट्स को मिले हैं, समझना बात है। एक विद्यार्थी को उतने अधिकतम पेट भर के लड्डू मिलने चाहिए जितने अन्य विद्यार्थियों को मिले हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसको भी पेट भर के लड्डू मिलेगा और अन्य विद्यार्थियों को भी पेट भर के लड्डू मिलेगा, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को पेट भर के लड्डू मिलेगा। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, एक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए जितनी अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो गई, अधिकतम स्वतंत्रता। अर्थात जॉन रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये तो हो गया जॉन रॉल्स का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था सभी के लिए कल्याणकारी नियम। तो आप इसको चाहो तो थोड़ी देर वीडियो को रोक के आप इसके नोट्स उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद आप एक साथ उतार लेना। 2 सिद्धांतों में पहला तो हो गया अधिकतम स्वतंत्रता और दूसरा क्या है, सभी के लिए कल्याणकारी नियम।
सभी के लिए कल्याणकारी नियम। अब थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूं, ज्यादा ठीक समझ में आएगा फिर आपके। जॉन रोल्स ने बताया कि समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक सामाजिक समझौता करना चाहिए एक सामाजिक समझौता करना चाहिए उस समझौते के तहत नैतिकता पर आधारित तथा सभी के लिए कल्याणकारी नियम बनाने चाहिए, फिर उन्हीं नियमों पर वह समाज आगे बढ़े। एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूं, बस उसके बाद मैं आपको समझाते हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार ये नियम बनाते समय अज्ञानता के पर्दे, ये एक महत्वपूर्ण वर्ड है जो आपको इस परिभाषा में लिखना ही लिखना है, अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत पर लागू हो ताकि किसी भी व्यक्ति को नियम बनाते समय अपनी हैसियत का पता ना रहे यह हो गया जॉन रोल्स का दूसरा सिद्धांत। अब समझना, देखो जॉन रोल्स ने क्या कहा, समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने के बाद नैतिकता पर आधारित तथा सभी के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए, फिर उन नियमों के आधार पर ही हमारा समाज चले या हमारा देश चले। मतलब हमारे देश को चलाने या हमारे समाज को चलाने के जो नियम हैं वो जॉन रोल्स के अनुसार किसके द्वारा बनाए जाएं, समाज के सभी लोगों को द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर सामाजिक समझौता किया जाए, उस समझौते में वो नियम बनाए जाएं। समझ गए बात, ये तो मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा था, नैतिकता पर आधारित और सभी के कल्याणकारी नियम, और फिर उन नियमों पर वह समाज आगे बढ़ सके। अब आगे सुनना, अब खुद सोचो कि जब समाज के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो उनमें तो टाटा बिरला और अनिल अंबानी जैसे लोग बाग भी तो इकट्ठे होंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे, गहलोत जैसे लोग बाग भी तो इकट्ठे होंगे, ये इतने बड़े बड़े लोग बाग भी इकट्ठे होंगे वहाँ पे, और समाज के बहुत गरीब लोग भी इकट्ठे होंगे। तो जब वो एक साथ मिलकर नियम बनाएंगे तो जो अमीर हैं वो तो अपने हित में नियम बनाने का प्रयास करेंगे और जो गरीब हैं वो अपने हित में नियम बनाने का प्रयास करेंगे, तब तो नियम बनना संभव ही नहीं है। इसलिए जॉन रोल्स ने कहा कि नियम बनाते समय अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत लागू हो, अर्थात नियम बनाते समय जब समाज के लोग बाग एक जगह इकट्ठे रहें तब उन्हें उन पर क्या रहे, अज्ञानता का पर्दा रहे, उन्हें यह एहसास ना हो कि मैं अनिल अंबानी हूं, टाटा बिरला हूं, मैं मोदी हूं, मैं गहलोत हूं, मैं वसुंधरा राजे हूं, अर्थात ये पर्दा उन पर डाला जाए
और उनको इस बात का एहसास करवाया जाए कि तुम सब लोगों की हैसियत एक समान है, तुम सब बराबर हो, अब सबके कल्याण के लिए क्या बनाओ, नियम बनाओ। तो ये जो बताया ना जॉन रॉल्स के अनुसार, ये नियम बनाते समय अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को लागू हो, मतलब ये सिद्धांत हो, मतलब उन्हें पता नहीं रहे कि खुद की हैसियत की मैं टाटा बिरला हूं क्यों, सबको ये लगना चाहिए कि अब सब क्या है, हमें समान है, ताकि किसी भी व्यक्ति को नियम बनाते समय अपनी हैसियत का पता नहीं रहे। ये सिद्धांत किसका हो गया, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब देखो तीन न्याय सिद्धांत जो अपन ने देखे, तीनों काफी महत्वपूर्ण है, लगभग लगभग एग्जाम में से इन तीन न्याय सिद्धांतों में से कोई सा आता रहता है, चाहे पिछला पेपर उठा के देख लो, पहले के कोई से पेपर उठा के देख लो, चाहे आने वाला जो बोर्ड का अब जो नेक्स्ट अपना पेपर होगा वो देख लेना, या तो इन तीन न्याय सिद्धांतों में से आएगा या फिर इसके बाद में अपने आते हैं न्याय के विविध रूप। न्याय के पांच रूपों का अपन वर्णन करेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कैसे बनता है, समझ गए बात। न्याय के जो विविध रूप हैं उनमें पहला है नैतिक न्याय, इसमें देखना यह है न्याय नैतिकता पर आधारित होता है। इसमें आगे बताना आपको कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनशील तथा प्राकृतिक नियम होते हैं जैसे सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, उदारता आदि। समझ गए बात। अब समझना नैतिक न्याय, यह न्याय नैतिकता पर आधारित होता है, एक लाइन तो आप सिंपल सी ये लिख देना। अब आगे समझना ये जो नियम होते हैं ना, ये कैसे नियम होते हैं, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का मतलब होता है हर जगह व्यापक रहते हैं, हर जगह ये नियम लागू होते हैं। अपरिवर्तनशील, ना तो कभी इतिहास में इन नियमों का में बदलाव हुआ और ना वर्तमान में हुआ, ना भविष्य में कभी इन नियमों में बदलाव होगा, और ये नियम कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। क्या कभी ऐसा समाज आ सकता है क्या जिसमें सत्य को गलत माना जाए और असत्य को सही माना जाए, नहीं आएगा। क्या कभी कोई ऐसा समाज आ सकता है जो हिंसा को ठीक माने और अहिंसा को गलत माने। क्या कभी ऐसा समाज आ सकता है जो दया, प्रेम, उदारता इनको गलत माने। ये तो हमेशा हमेशा ये नियम तो कैसे रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे, सर्वव्यापक रहेंगे, अपरिवर्तनशील रहेंगे, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही लाइन मैंने लिखी है, कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनशील तथा प्राकृतिक नियम होते हैं जैसे सत्य, हिंसा, दया, प्रेम, उदारता, इन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय कहलाता है। इसी में आगे लिख देना इन नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय कहलाता है। अब क्या है, वैसे देखा जाए तो अपनी जो मेन चीजें हैं ना वो तो नैतिक न्याय के बारे में यहां कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पुस्तक में थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ दे रखा है इसका, तो थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। तो अपन लास्ट में यहाँ ये लिख देंगे कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो वह नैतिक न्याय की श्रेणी में आता है, और यदि इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह नैतिक न्याय की श्रेणी में नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों
का पालन करता है तो वह नैतिक न्याय की श्रेणी में आता है आता है तथा यदि इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह नैतिक न्याय की श्रेणी में नहीं आता। समझ गए बात? ये कंप्लीट अपने को लिखना है कौन से न्याय में। अगर आपसे नैतिक न्याय के बारे में पूछा जाए तो ये लिखना है। न्याय के विविध रूप की अपन चर्चा कर रहे थे, पहला कौन सा हो गया अपना नैतिक न्याय, और दूसरा अपनी पुस्तक में दे रखा है कौन सा कानूनी न्याय। नैतिक न्याय के बाद में कौन सा न्याय आता है कानूनी न्याय। तो अब सुनना है इसके बारे में। देखो ये नियम या कानून या तो सरकार बनाएगी या फिर नियम और कानून संविधान में लिखे हुए होते हैं। किसी भी देश को शासन को चलाने के जो नियम और कानून होते हैं ना वो या तो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या फिर वो नियम और कानून संविधान में लिखे हुए होते हैं। इन नियम कानूनों का पालन करना ही कौन सा न्याय कहलाता है कानूनी न्याय कहलाता है। तो इसमें लिख देना आप किसी भी देश के संविधान या वहां की सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की पालना करना ही कौन सा न्याय कहलाता है कानूनी न्याय कहलाता है। अब देखो कानूनी न्याय के बारे में दो प्रमुख बातें हैं वो भी अपन चर्चा के लिए। परिभाषा बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप इस परिभाषा को। कानूनी न्याय के प्रमुख तत्व है, प्रमुख तत्व लिख देना चाहे दो प्रमुख बातें लिख देना। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो सरकार, देखो जो भी कानून बनाए वह न्यायपूर्ण होना चाहिए। मानते हैं कि कानूनी न्याय क्या क्या होता है कि भाई सरकार ने जो कानून बनाए उनकी अगर अपन पालना कर रहे हैं तो इसका मतलब कानूनी न्याय स्थापित हो चुका। अब सरकार की भी तो ये जिम्मेदारी होती है ना कि वह जो कानून बनाए वो न्यायपूर्ण होना चाहिए और दूसरा उन कानूनों को लागू करे तब भी वह न्यायपूर्ण तरीके से कानूनों को लागू करे। तो दो बातों में एक तो अपने को ये लिखना चाहिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायपूर्ण होने चाहिए। दूसरी प्रमुख बात क्या है? सरकार इन कानूनों को न्यायपूर्ण तरीके से लागू करे, न्यायपूर्ण तरीके से लागू करे। देखो होता है क्या है कि सरकार एक तो हमारे लिए कानून बनाती है फिर सरकार ही उस कानून को पूरे देश में लागू करती है। समझ गए? सरकार कानून बनाती है और बनाने के बाद सरकार उस कानून को पूरे देश में लागू करती है। तो सरकार कानून बनाए वह भी न्यायपूर्ण कानून हो और लागू करे वह तरीका भी कैसा रहे न्यायपूर्ण रहे। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायपूर्ण होने चाहिए और सरकार द्वारा इन कानूनों को न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और उसके बाद भी यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसे दंड दिया जाए। बस लास्ट ये लाइन लिखना है, इसके बाद भी यदि कोई कानूनों का उल्लंघन करता है
उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाए। कंप्लीट आपको याद रखना है कौन सा न्याय, कानूनी न्याय। बस ये लेसन में लास्ट बातें यही हैं, पांच रूप बता रखे हैं अपनी पुस्तक में, दो तो कर चुके हैं, पर पहला तो कौन सा न्याय किया था अपन ने, अब ये भी कौन सा किया था किताब में, कौन सा दीर्घ है पहला, नैतिक न्याय। जस्ट पहला अपन ने नैतिक न्याय किया है, दूसरा कर लिया अपन ने कौन सा, कानूनी न्याय। तो टोटल पांच देखेंगे अपन, इसके बाद में तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। इसमें देखो पहले बोर्ड पे लिख देता हूं कुछ बातें, राजनीतिक न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए, अर्थात किसी भी देश की राज व्यवस्था, अर्थात किसी भी देश की राज व्यवस्था में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्राप्त होने चाहिए, यह लोकतंत्र में ही संभव है। अब समझना देखो, राजनीतिक न्याय क्या होता है, समानता पर आधारित, अर्थात कोई भी राज व्यवस्था हो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे दो, यही क्या कहलाएगा, राजनीतिक न्याय कहलाएगा। मतलब एक तो राजनीतिक न्याय किस पर, समानता पर आधारित हो गया, और सभी नागरिकों को समान अधिकार दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सा न्याय स्थापित हो गया, राजनीतिक न्याय स्थापित हो गया। अब समानता के आधार पर कैसे, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, राजनीतिक न्याय के प्रमुख तत्व है। मतलब राजनीतिक न्याय में अपन किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, एक तो वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार कैसा होता है, समानता पर आधारित होता है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया अगर किसी भी व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु हो गई उसको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। वयस्क मताधिकार हो गया तो किस पर आधारित अधिकार हो गया, समानता पर आधारित अधिकार हो गया। पहला तो क्या हो गया, वयस्क मताधिकार। दूसरा, एक निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार, एक निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार। देखो भारत में राजनीतिक न्याय देखना, भारत में है राजनीतिक न्याय, वयस्क मताधिकार दे रखा है सबको, एक निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे यदि कोई पंच सरपंच नगर पालिका में कोई पार्षद वगैरह इनका चुनाव लड़ना चाहिए तो 21 वर्ष की आयु है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो 25 वर्ष की आयु तय कर रखी है, विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो 30 वर्ष की आयु है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़ना चाहिए तो 35 वर्ष की आयु है। तो एक निश्चित आयु के बाद सबको क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार, मतलब यहाँ भी समानता है सबके साथ। तीसरा, विचार भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, ये भी प्रत्येक व्यक्ति को भारत में विचार व्यक्त करने भाषण देने और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। चौथा,
बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। देखो सार्वजनिक पद का मतलब होता है जो सभी के लिए ओपन हो। जैसे आज जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, तो ये सार्वजनिक पद हो गया। कोई आरएस वगैरह आईएएस वगैरह जो भी डॉक्टर कलेक्टर मान लो, कोई पटवारी मान लो, ग्राम सेवक मान लो, ये सार्वजनिक पद हैं। अब ये सार्वजनिक पद प्राप्त करने का केवल हमें ही अधिकार थोड़ी था, आप लोग भी तैयारी करो और आपके पास भी अधिकार है, तैयारी करके कंपटीशन दे और ये सार्वजनिक पद प्राप्त कर लो। तो यहां भी समानता हो गई, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। लास्ट है किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को कोई विशेष अधिकार ना दिया जाए। देखो कोई वर्ग विशेष, ये तो है नहीं भारत में कि अमीर वर्ग को ज्यादा अधिकार दे दो, या जाति के आधार पर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण शर्मा राजपूत जाट इस आधार पर कोई विशेष अधिकार किसी को मिले हुए हैं नहीं, तो इसके आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। ये न्याय कौन सा हो गया? राजनीतिक न्याय। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है चौथा, सामाजिक न्याय। बस सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में किसी के साथ सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। किसके आधार पर? कि इसकी सामाजिक स्थिति कमजोर है तो इसके साथ भेदभाव करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए। अब वही बात लिखेंगे अपन, सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व है। दो ही बातें हैं सामाजिक न्याय में। पहला तो समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, और दूसरा सभी को प्रगति के आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। सिंपल सी बातें हैं, समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब आप खुद देख लेना, जैसे हम शिक्षक हैं, हम विद्यार्थी को पढ़ाते समय ये थोड़ी कहते हैं कि बेटा बता तेरा कौन सा धर्म है, हिंदू होगा तो पढ़ाएंगे, मुस्लिम होगा तो पढ़ाएंगे, ऐसा पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। क्या हम जाति के आधार पर पढ़ाते हैं क्या कि बस भाई मैं तो केवल इसी कास्ट के लोगों को पढ़ाऊंगा? क्या लिंग मतलब महिला पुरुष बच्चा बच्ची इस आधार पर अपन पढ़ाते हैं क्या? क्लास में लड़कियां भी रहती हैं तो लड़के भी रहते हैं। कौन सा वंश है तेरा, कौन सी भाषा है, कहाँ तेरा जन्म हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी भेदभाव के मतलब इनके आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, वही क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय। दूसरा अपन लिखेंगे सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं।
सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसमें योग्यता नहीं होगी वो पीछे रह जाएगा। अवसर और मौका तो सबको समान है ना, 10वीं क्लास 12वीं क्लास सब एक साथ बैठ के एग्जाम दोगे, मतलब सबको क्या है, समान अवसर है। अब समान अवसर देने के बाद कोई 90% बनाता है और कोई बेचारा 30% 20% बनाता है, तो भेदभाव तो नहीं किया गया ना आपके साथ। लास्ट में बस यहाँ तक भी अपन लिख सकते हैं, अगर जॉन रॉल्स के बारे में आप लिखो तो एक लाइन लास्ट में लिख देना, क्योंकि जॉन रॉल्स ने भी तो सामाजिक समझौते की बात की थी ना। जॉन रॉल्स ने भी सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण माना, ये अपना सामाजिक न्याय कंप्लीट। अब सामाजिक न्याय के बाद में लास्ट है आर्थिक न्याय। पांचवा देखो, आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में आर्थिक रूप से समानता स्थापित करना, आर्थिक रूप मतलब पैसों के मामले में। तो इसमें लिख देना आप, आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में आर्थिक रूप से समानता स्थापित करना। इसका मतलब यह हो गया कि आर्थिक रूप से सब समान हो, सबके पास बराबर पैसा हो, ना ज्यादा अमीर हो ना कोई गरीब हो। क्या ऐसा संभव है क्या कि आर्थिक रूप से सब समान हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। तो आगे अपन लिख देंगे, हालांकि पूर्ण रूप से आर्थिक समानता समानता स्थापित करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक संसाधनों का अधिकांश भाग समाज के गरीब वर्ग में वितरित किया जाए। इसका मतलब समझना, हालांकि पूर्ण रूप से समानता तो पॉसिबल नहीं है कि सब पैसों के मामले में समान हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत समानता कैसे स्थापित होगी? अगर गरीब वर्ग को थोड़ा बहुत ऊपर उठाया जाएगा तब थोड़ी बहुत समानता स्थापित होगी। तो गरीब वर्ग को थोड़ा बहुत कैसे ऊपर उठाया जाएगा? सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन मतलब सबका संसाधन, सरकार के संसाधन। तो जो भी सरकार के संसाधन है उनका अधिकांश भाग समाज के गरीब वर्ग में वितरित किया जाए, उससे क्या होगा? थोड़ी बहुत आर्थिक समानता होगी। अब समाजवादियों ने भी देखो आर्थिक न्याय के बारे में चर्चा की है। समाजवादी विचारक जो हैं, समाजवादी विचारकों ने कहा है यदि समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी तो समाज में दो वर्ग बन जाएंगे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, फिर दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा और उससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यह विचार किसने दिया? समाजवादियों ने। तो अगले पैराग्राफ में लिख देना, समाजवादी विचारकों ने कहा कि यदि समाज में आर्थिक समानता स्थापित नहीं हुई तो समाज में दो वर्ग बन जाएंगे,
देखो आर्थिक समानता नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ही समाज में दो वर्ग बनेंगे, कौन सा, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, दो वर्ग बन जाएंगे, अमीर वर्ग वे गरीब वर्ग, फिर दोनों में वर्ग संघर्ष होगा, फिर दोनों में वर्ग संघर्ष होगा, कौन कौन से वर्ग में, अमीर वर्ग में गरीब वर्ग में, जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। अव्यवस्था उत्पन्न होगी, यह आपका कौन सा न्याय कंप्लीट, आर्थिक न्याय कंप्लीट। अब सुनना इसमें से प्रश्न कैसे बनता है। लास्ट ईयर जो प्रश्न बना था, अभी एक तो थोड़े दिन पहले एग्जाम हुई थी लॉकडाउन में, तो वो तो छोड़ो, उससे जो पिछला साल था उसमें पेपर में प्रश्न आया था, न्याय के निम्न दो रूपों का वर्णन करो, और वो प्रश्न था कितने, 4 नंबर का। तो आपके क्वेश्चन आ जाएगा न्याय के निम्न रूपों पर वर्णन करो, अगर दो रूप आ गए जैसे कानूनी न्याय सामाजिक न्याय, तब तो होगा वो प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का। और यदि 3 रूपों का वर्णन पूछ ले, देखो 5 रूपों का एक साथ वर्णन नहीं पूछेगा वो, या तो दो रूप का वर्णन पूछेगा तब तो 4 नंबर का हो जाएगा, 3 रूपों का वर्णन पूछ लिया तो कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का। और अपने इस लेसन में से या तो 4 नंबर का प्रश्न बनेगा या फिर बनेगा 6 नंबर का प्रश्न। तो जो भी आपको इस लेसन के अपने 2 वीडियो बने, पहला वीडियो थोड़ा छोटा था और ये शायद मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो चुका है, इन 2 वीडियो में आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन इसी यूनिट का जो सेकंड लेसन है, इस यूनिट में 4 लेसन है, सेकंड लेसन की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।